आजारी माँ शारदे और मैं कर रहे हो तेरी या नमन करूँ बाप को नमन करूँ माँ आपको आज मन चुप करो ढोर का मेला लगा यहां नहीं किसी का भय ढोर का रे कि ढोर का मेला लगा यहां नहीं किसी का भय मिल बोलिए अतल बाबा की जय। बहुत सुंदर मास्टर जी, 15 मिनट है कमेटी की, बहुत सुंदर। कहते हैं कि रतन सिंह पटलोनी, कोई कहता है फोनसे के वो गा ही नहीं रहे, कोई कहता है कि वो आते ही नहीं है क्षेत्र में, लेकिन कमेटी ने जिसको सम्मान से यहां बुलाया, मैं सुन रहा हूं 3 दिन से, जिसको सम्मान से यहां बुलाया और वो ही आज इत्तल महादेव बाबा की मंच को छोड़ करके इस दंगल में नहीं आ रहे हैं, जिनको बुलाया और जिनको नहीं बुलाया वो इस सम्मान में मौजूद हो गए, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन भोले बाबा उनको भी दंडित करेगा जो हां कर लेते, ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्यों दिमाग को जुटाएंगे, इधर मंच भी चल रहा है, एकदम खचाखच एक दूजे के ऊपर नौले पे दहला रहा है, और इधर हिंदुस्तान में भी बवंडर मचा हुआ है, 2024 नजदीक चल रही है, और इधर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर भी धुरंधर बवंडर चल रहा है, उसमें भी सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन भारत के वीर जवान, हिंदुस्तान की सेवा करता है वीर जवान और हिंदुस्तान का पेट भरता है वीर किसान, और वो वीर किसान का पुत्र जवान आज सीमा पर चैलेंज देता है और कहता है, किस तरीके से कहता है, रामवीर तूफानी, हम कै खुल्लम खुल्ला, और गाने वाले भी सुन ले, खुल्लम खुल्ला गाओ, कमेटी कह रही है खुल्लम खुल्ला गाओ और बढ़िया गाओ, और कहना भी सही है, कहना भी चाहिए, अरे साहब खुल्लम खुल्ला और पपड़िया फोर, और इधर हिंदुस्तान का भीड़ कह रहा है किसान खुल्लम खुल्ला, पाकिस्तानियों से कैसे कह रहा है, कैसे कह रहा मास्टर, हम के खुल्लम खुल्ला भारत नाय रसगुल्ला, अगर टकराओगे भारत
भारत ना रसगुल्ला अगर टकराओगे तो कोई धर के टांग पे टांग चीर दिए जाओगे, कोई धर के टांग पे टांग चीर दिए जाओगे। हम कहे खुल्लम खुल्ला भारत ना है रसगुल्ला अगर टकराओगे। गाना बजाना अलग होता है, सभी गा रहे। एक छोटा सा बच्चा गा रहा था गगवाने का भजन गा रहा था। किसी दिन रतन सिंह पटलौनी ने धौरमाम टोली की इस मंदिर पे गाया था किसी जमाने में, जब स्वर्गीय राजवीर पाड़ी जी अपने साथ लेकर के आए थे उस बच्चे को, वो भी एक रतन पटलौनी का था। लेकिन सुनिए, हिंदुस्तान वीर जवान क्या कहता है। हम कह खुल्लम खुल्ला भारत ना है रसगुल्ला, तू सुन ले खटमुल्ला अगर टकराओगे। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान की बात पूरे बरंड में पहुंचाते हैं। हमारे पंडित जी पूजनीय पंडित रोहतास शर्मा जी, और इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान की सनातन धर्म की परंपरा को न जाने विश्व में कहां-कहां तक पहुंचा रहे। ताली जोरदार ताली। जऊ में खुले मांग रहे, इतने लंबे चौड़े है कि जऊ में खुले। देवो राम ऐसा मत करो। हम के खुल्लम खुल्ला भारत ना है रसगुल्ला अगर टकराओगे। और ये एक से एक मुद्राएं हमारे सम्माननीय पूजनीय हमारे बच्चापन से साथ निभाने वाले, सन 1994 से हमारा साथ निभाते निभाते चले आ रहे हैं भाई रोहतास जी। जोरदार ताली फिर बजाए दो। क्यों? क्योंकि हमारे मित्र भी हैं और हमारे प्यारे भी हैं और संगीत के बड़े नजारे भी हैं। हिंदुस्तान के नेता देखो करते हैं ऐलान, बहुत सुंदर। अरे हिंदुस्तान के नेता देखो और करते हैं ऐलान, 100 में से जी 80 देखो 95 कितने 80। और ये एक से एक मुद्राएं, चौधरी विक्रम सिंह, विक्रम सिंह जी 501 मुद्राएं आमंत्रित कर ले सांझ को। अब एक से एक बात पे फिर शुरुआत कर रहे हैं हमारे विक्रम नेता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर टकराओगे कोई धर के टांग पे टांग चीर दिए जाओगे, कोई धर के टांग पे टांग चीर दिए जाओगे जाओगे। ऐसा कोई प्रसंग बकाया नहीं। कमेटी का आदेश है रतन भाई को तुमने कल छोड़ा था, इसी को आगे बढ़ाएं। मैं बात को स्वीकार करते हुए और आपकी इस महामंडल बुद्धि के विदेता गणेश जी को आमंत्रित करते हुए उसी दिशा में कथा को ले चलता हूं। जिस बार दशरथ जी ने सोचा कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है, दूत भेज दिया लंका के लिए, दूसरे कहा जाओ पिताजी को सारी घटना सुनाओ। दूत जा करके लंका में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इधर ब्रजमंडल में मेघनाथ में और दशरथ में
युद्ध प्रारंभ होता है तो उस युद्ध में क्या होता है, कैसे होता है रामवीर तूफानी जी? सरदारों, दोनों महारथी आमने सामने है अपनी सेनाओं को लेकर के। मेघनाथ के पास थोड़ी सी सेना की टुकड़ी है, थोड़ी सी। अब दशरथ जी क्या कर रहे हैं सुनिए। अरे शक्ति शक्ति छोड़ दई, शक्ति छोड़ दई दशरथ ने, और ये अरे छाती बीच समाई है और घायल है गयो मेघनाथ जाए गई मूर छाई है। पार हो गई मेघनाथ के शरीर में और मेघनाथ मूर्छित हो गया। अब देखिए लिखने वाले लिखते हैं कितनी बढ़िया बात है, ये सनातन धर्म की बात है कि पहले धर्म युद्ध हुआ करते थे और आज भी होते हैं जो धर्म को मानते वो आज भी धर्म युद्ध करते हैं, लेकिन आज दशरथ जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मास्टर रावी? मेघनाथ को छोड़ चल दयो दशरथ बड़ो अगाई है, मेघनाथ को छोड़ चल दयो। बहुत सुंदर मास्टर जी। हारी है रे, आज आप देखिए हिंदुस्तान का युद्ध कैसा होता था, पहले सतयुग में कैसे हुआ, द्वापर में कैसे हुआ, कलयुग में कैसे हो रहा है, सोचने वाली बात। आज कहा है कि पीठ दिखाए, रथ में से उतर गया और पीठ योद्धा को दिखाने लग गया तो योद्धा उस पर वार नहीं कर सकता। क्यों? क्यों पीठ दिखाए भगैरंते बाके पीछे वीर परनाए, होई निहत्तो और कमर ते नीचे चोट करे नाए। सो मेघनाथ को छोड़ चल दयो और दशरथ बढ़ो अगारी, एक नई बह गई भी। अब देखो नई बीमारी बह गई, इधर दूध पहुंच गया लंका में और लंका में सारी कथा मेघनाथ के पापा रावण को बताने लगा। रावण क्रोधित होने लगा, कहने लगा कि मेरे बेटा ने इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्र को जीत करके शायद हो सकता है कि ब्रज से ही निकल रहा था मेघनाथ तो जरूर घेर लिया होगा, और मैं जानता हूं दशरथ कितना बलशाली है, मेरा बेटा उसको हरा नहीं सकता। आहा, दूत के बैन सुन करके रावण का कह रहे, कैसे कह रहे हो राम भी? महावीर अरे सुने सुने दूत के बैन सुरक वे
राजा, लंका को राजा, रावण देखो ब्रजमंडल में आयो। सब राजा रावण देखो ब्रजमंडल में आयो। ओ सनलो ब्रजमंडल में आयो मेरे दादा, ब्रजमंडल में आयो। देखो ब्रजमंडल में तो, अब देखो ब्रज भूमि में आ गया। जो हमारा पूरा हिंदुस्तान उस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए इच्छुक रहता है, उस ब्रजमंडल में रावण लंका को छोड़ करके आ गया। और 11 मुद्राएं हमारे सम्मान्य हमारे चाचा जी हमें प्रदान करते हैं, और ये 11 मुद्राएं हमारे सम्मान्य चाचा जी हमें प्रदान करते हैं, और ये 11 मुद्रा हमारे सम्मानीय चाचा जी हमें प्रदान करते हैं। ब्रजमंडल में आयो मेरे दादा, ब्रजमंडल में आयो। लंका को राजा रावण देखो ब्रजमंडल में आयो। लंका को राजा रावण देखो ब्रजमंडल में आयो। और रावण अरे मन में करे विचार परे ना पार, अरे मन में करे विचार